पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। मैंने कहा विधाता माता ने लेखनी लिख दी, सबको जाना है। एक डोकरी मां जनारी उम्र 72 साल, डोकरी मां ने खुद साम्राज्य लेवन आया। डोकरी मां ने क्यों माता जी चालो स्वर्ग में चला, डोकरी मां क्यों भगवान मरवारो पहली मारी एक इच्छा पूरी करो। भगवान बोले कसी, आपरे कई चेहरो बोलो, धन चेहरो, महल चेहरा, मालिया चेहरा बोलो। डोकरी मां क्यों, न तो धन चेहरा, न महल चेहरा, न मालिया चेहरा, मारे खाली भगवान 5 मिनट चेहरा, बस मुझे 5 मिनट दो। भगवान क्यों डोकरी मां 5 मिनट ने कही करो, 72 साल कम पड़िया गई कई करो। तो सुनिएगा साहब, एक डोकरी माने जो 5 मिनट मांगे अगर इस युग में जीवन में उतार लिए तो हर घर स्वर्ग बनेगा, हर घर में सुख आनंद आएगा। सुनना मैं क्या सुना रहा हूं 5 मिनट में। वहां डोकरी मां केवल लगी, हे भगवान मारे 5 मिनट करना वैसे चेहरा होनो। कहने लगी हो बुलावो आयो राम को, अरे बुलावो आयो राम रो। ओ संतो सुरगासो आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। ओ संतो सुरगासो आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान भगवान बोले माता जी मांगो, मरने वाले हो, 5 मिनट किसके लिए चाहिए। डोकरी मां बोली भगवान थेलो मिनट प्रभु माने देवो, हो पेलो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा सेवा। हो पेलो मिनट प्रभु माने देवो, मुँ करूं बेटा सेवा। हे भगवान मरवारा पहली मारा दोई बेटो बात करनी। डोकरी मां दोई बेटा ने बोले क्यों के, हे मारा लाल मुंह मरवा वाली हूं, मगर था दोई जना एक बात हूं जो, एक मां अपने बेटों को क्या कहती है साहब सुनना, कि हे बेटा अलमारी में पैसा बढ़िया है, अलमारी में पैसा बढ़िया। ए बेटा अलमारी में जो पैसा पड़िया मारा मरवारा बात, भाई भाई लड़ा जो मती, हाँ लड़ाओला तो मारी आत्मा भटकेला दुखेला, मना रिपारो कई कर जो। अलमारी में जो पैसा पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम सुबाट, बुलावो आयो राम रो। हो अलमारी में जो गहना पड़िया, आपस में लीजो प्रेम सुबाट, बुलावो आयो राम रो। साहब वा डोकरी मां बोली, हे बेटा लड़जो मती, आज रा जमाने में भाई भाई कई करी रा, आपस में लड़ी रा, आपस में मर्डर करवाई रा, एक दूसरे टांग खेची रा। जीवन में याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना छाया में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे झेर हो, चाहे झेर हो।
जनी घर में भाई भाई आपस में लड़ावे बटे लोग इन पंचायती करे, आप देखना साहब, जनी घर में भाई भाई आपस में लड़ावे बटे लोग इन पंचायती करे, और जनी घर में भाया रो एको वे वनी घर में कनी औकात नहीं आंख उठाई देखी ले। एक होती है वो अंगुली होती है, पांच मिलती है, और ये होता है तो मुक्का होता है। जीवन में भाई से कभी धन दौलत के लिए मत लड़ना। हाँ लड़ जो, मुंह कह रू लड़ जो करना वैसे, अरे यार भाई साहब माँ बाप की सेवा मुंह करू नहीं यार, मुंह करू नहीं यार, मुंह करू दुनिया की, वारे वाकई हपूत हपूत बेटा जनिया है। और धन दौलत रहा वैसे लड़ोला तो कई फलाना घर में कशा कपूत बेटा जनिया। और भाई क्या होता है मैं बताता हूं, भाई रावण मर रहा था, रावण ने राम से कहा कि हे राम, मेरा इतना बड़ा कुटुंब था, सोने की लंका थी, मैं इतना बड़ा विद्वान था, मगर तुम दो वनवासी आकर मुझे मार कर जा रहे हो, ऐसा क्यों? रावण क्यों के राम क्यों के हे रावण, सोने की लंका थी, तू बड़ा कुटुंब में था, बहुत बड़े परिवार से था, मगर तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। अबे ये बातें बनाने हौनी लागी जो परिवार ने काटे, ये बातें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, यार वो कश्यप भजन है यार, जो परिवार को काटता है, भाई को काटता है, माँ बाप को काटता है, उनको ये पसंद नहीं आएगा, बड़ी अपने कहीं फर्क नहीं पड़े। भगवान ने बोला माता जी दूसरा मिनट किसके लिए, सुनिएगा साहब वो डोकरी माँ क्या बोली, अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, मुकरु विंदण्या से बात, हो दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करु विंदण्या से बात। हे भगवान दूजो मिनट मारी विंदण्या बात करनी, हाउ जी दोई विंदण्या ने बुलाई और कहवा लगी हे मारी विंदण्या मुंह मरवा वाली हूं, मगर था दोई जनिया मारी बात हुन जो, एक हाउजी विंदण्या ने कई कह रही हुन जो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, ए मारी लाडिया 17 साल तक मैं परिवार ने विखरवा नहीं दीदो, मगर मारा मरवारा बाद हे मारी विंदण्या आगे संभालो, आगे संभालो परिवार बुलावो, आयो राम रो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे संभालो परिवार बुलावो, आयो राम रो। साहब एक घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, एक घर को नरक बनाती है घर की औरतें। लुगाया अगर हमलदार वे तो परिवार में दीवारा खड़ी नहीं वे, और लुगाया मन में फतू रह गयो वे तो दीवारा 2 मिनट में खत्म। और आजकल लोग होशियार नहीं, डोड होशियार जाता है, होशियार बेनो अच्छी बात है, डोड होशियार बेनो बेकार बात है। डोड होशियार किस तरह, नरेंद्र पिया वाला वे गया सरकारी नौकरी, मेरे पास इतने बंगले, कश्या माँ बाप, कश्या भाई, कैसी भोजाया, कैसी बेना, मेरे पास पैसे हैं, अरे डोड हुशार तू 50-50 लाख का टेंट लगवा सकता है, बाहर गेट पे पर्दा लगवाता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अरे कश्यो परिवार थारा 50 लाख का टेंट रहा नीचे थारा माँ बाप नहीं है, कश्यो परिवार थारा 50 लाख का टेंट रहा नीचे थारा भाई नहीं है, कश्यो परिवार थारा 50 लाख का टेंट रहा नीचे थारी बेना नहीं है, बाहर ने गेट पे लिखा एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। पैसे होने से परिवार नहीं होता है। आज मंडल सांवरा मित्र मंडल ने ये कार्यक्रम रखवाया साहब, आज आप इतनी तादाद में आए हो ना, इनका अच्छा लग रहा है, बाकी खाली खाली पांडाल लेते तो हाउ नहीं लागतो, अनि वैसे परिवार ने लेन चालो साहब, पैसा पद प्रतिष्ठा ये सब बाद में, लोगर अपा हाथ हाथ वार है दुनिया में,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मगर आठवां एक वार है जिसे दुनिया कहती है परिवार, और जो परिवार के साथ रहता है वो है इंसान, और हमको हमेशा इंसान बन के रहना चाहिए साहब। परिवार से दूर मत रहो, कोई कदर नहीं है। भगवान के डोकरी में तीसरो मिनट करना वैसते डोकरी में कई केरी हूं जो तीजो मिनट प्रभु माने देवो, अरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात, हो तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। हे भगवान, तीसरो मिनट मारा पोता हूं बात करनी। दादी मां पोता ने बुलायो, खोड़ा में बेवन हाथ घूमे, दादी मां पोता ने कई केरी मरवारा पेली के हे मारा पोता। दादी मां तो सुरगा चाली, हो अरे दादी मां तो सुरगा चाली, हे मारा पोता, हूं तो मरवा वाली हूं, मगर मारा मन में चिंता है के पछे कूण करेला, कूण करेला थारा लाड बुलावो आयो भगवान रो, हो दादी मां तो सुरगा चली, पछे कूणी करेला थने प्यारी बुलावो आयो राम रो। साहब, एक मां अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किससे करती है? अपने पोते से। क्योंकि मूल करते ही ब्याज बढ़िया लागे, क्योंकि मूल करते ही ब्याज बढ़िया लागे साहब। मगर आज रा जमाना में पोता पोती वशिया नहीं है। कॉलेज भणवा वाला वही गया, जींस पेंट वाला वही गया, स्कूटी चलावा वाला वही गया। अगर दादा दादी बुलावे बेटा एक मिनट नहीं टाइम नहीं है भैया, मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं। दादी जी बुलाती बेटी एक मिनट मातो तो भाई दे, टाइम नहीं है मु सहेलियों बात कर रूं। पोता ने क्यों वे टाइम नहीं है मु क्रिकेट खेलवा जा रूं। ऐसे जवाब अपने घर में बुजुर्गों को मत देना जवानों और मेरी बहनों। अपनी जवानी के घमंड में घर में बुजुर्गों का अपमान मत करना। जनी घर में दाना भूडा है वनी घर में स्वर्ग है साहब। आज तुम अपनी जवानी पर इतरा रहे हो, कल जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, क्योंकि याद रख निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़िया दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। कहने का मतलब अपनी जवानी में बुजुर्गों का अपमान मत करो। घर में दाना बूढ़ा है वरने हथेले पे रखो, दादी मां लो चलो मंदिर चला, दादाजी पग दबाई दूं, दादाजी भजन हुनाई दूं, ऐसे भाव रखो उनका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के डोकरी में तीन मिनट खत्म। चौथा मिनट करना वैसे मरवा वाला हो सुनना साहब, चौथा मिनट किसके लिए गाता ये लहरुदा सुनना। अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से बात। साहब शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटिया, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटिया। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है ये बेटियां, दो दो कुलों को रोशन। मैंने कहा ना आज के जमाने में लोग होशियार नहीं, डोड होशियार है। कैसे आज पेट में बेटी आवे सोनोग्राफी करवावे डॉक्टर ने कहे जैन, डॉक्टर साहब क्या है? वो बोलता बेटी इसको मरवाओ। आज बेटियों को मरवा रहे हैं साहब वो लोग जो बेटियों को मरवाते हैं। खुल के सुनना, बेटी नहीं रही तो मां कहां से आएगी, बेटी नहीं बची तो राखी के दिन राखी किससे बंधवाओगे,
बेटी नहीं बची तो अपने बेटों के लिए लुगाई कहां से लाओगे, और बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में नौ नौ कन्या किसको जिमाओगे। इसलिए बेटियों की इज्जत करो साहब, आप ट्राई कर जो खुद रिपब कम, आप ट्राई कर जो, आपने दो बेटा है दो बेटियां है, आपने दो बेटा है दो बेटियां है, दो ही बेटियां हारे परी की, दो ही बेटा काम पे पर गया, आपकी तबियत खराब होगी, आप बीमार हो गया खतरनाक, आप फोन करना बेटों को भी और फोन करना बेटियों को भी। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़ के बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटी आएगी कि पापा जी कहीं भी हो, मम्मी जी कहीं भी हो, उन बेटियों को मत मरवाओ। और मैं उन बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में ऐसा कभी कोई काम मत करना जिससे माँ बाप की छवि बहुत खतरनाक गंदी हो जाए, मार्केट में नीचा देखना पड़े, ऐसा काम कभी मत करना। अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए चरित्र का निर्माण अच्छे से करना। लोग बेटी पैदा हुए तो लोग केवे लक्ष्मी आई, केवे आप आज दिन तक हुनियो के बेटो पैदा भी हो तो कहीं क्यों नारायण आयो, तो फिर सोचो आप बेटियों को क्यों मरवाते हो। भगवान डोकरी माने केरा डोकरी मां बेटियों कई बात करनी, बोले हे भगवान चौथो मिनट प्रभु माने देवो करूं बेटी सेवा। भगवान रहामे डोकरी मां बेटी ने बुलाई, अब मां बेटी ने कही केरी हूं जो मरवारा पेली, हे बेटी मायरा की मन में रहेगी हो, मायरारी मन में रहेगी, ए बेटी, ए बेटी मायरारी मन में रहेगी। बेटी मरवारा पहली थारो मायरो वे जातो तुम्हारो कार जो ठंडो वे जातो, हे बेटी मायरो वे जातो तुम्हारो कार जो ठंडो वे जातो। बेटी क्यों कई बात नहीं माँ, माँ क्यों कहे बेटी कई बात नहीं, मायरा की मन में रहेगी पर जामण जाया, बेटी जामण जाया भरसी थारो भात बुलावो आयो राम रो हो, मायरा की मन में रहेगी जामण जाया भरसी थारो भात बुलावो आयो राम रो। आज यहां पर कम से कम 15,000 लोग बैठे होंगे, ये लहरुदास सभी भाइयों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता है, अपनी बहनों को सादे दिन कुछ मत देना, चलेगा नाराज नहीं होगी, राखी के दिन भी कुछ मत देना, बहन एक दिन के लिए नाराज होगी, मगर इस दुनिया की बहन अपने भाई का इंतजार वाट वनी समय जोवे जरूर साहब, जनी समय बना बेटा बेटी रो व्याह वे वे। आप पैसे वाले नहीं हो मत ले जाना, धन दौलत नहीं है मत ले जाना, ये लहरुदास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है साहब, अपनी बहनों को मायरे के टाइम एक चुंदड़ी जरूर उड़ा करके आना, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगी कि हे वीरा, और वो चुंदड़ी भी नहीं ले जाओगे तो बहन रोते हुए गाएगी वीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ वीरा रे वीरा रे वीरा रे वीरा रे हो, अरे थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मई रो लाजे रे वेगो आजे रे, ओ मैरो लाजे रे बेगो आजे रे। साहब 4 मिनट खत्म हो गए, भगवान ने बोला माता जी 5वां मिनट किसके लिए, सुनना साहब एक औरत का मन कितना बड़ा होता है। वह डोकरी मां रोता लगा बोली हे भगवान पांचवी वो मिनट प्रभु माने देवो,
पांचवो मिनट प्रभु माने देवो मुकरू घरवाला सेवा मुकरू पति सेवा। ए भगवान बेटों बात की दी बेटियों की दी विंदणियों की दी पोतों की दी लास्ट मिनट मारा विंदू मारा घर वालों बात करनी डोकरी मां अपना घर वाला ने बुलेन क्यों कि हे पति देव जिंदगी भर जो जो मांगियो मने लाई दी दो मरवारा पहली एक इच्छा पूरी कर दो। डोकरी मां कई कह रही अपना घर वाला ने कि हे पति देव कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने एक बार मोतिया सुभर दो मारी मांग बुलावो आयो राम रो हो थोड़ो सो सिंदूर लेने मोतिया सुभर दो मारी मांग बुलावो आयो राम साहब। आज कलाकार बहुत ज्यादा इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं। मैंने कहा था हिलना मत बोलना मत। मैं जितने भी जवान बोल रहे थे ना अब कहता हूं सुनो आप अच्छे बोल रहे थे। मैं ये भजन क्यों गाता हूं साहब कितना भी पहलवान हो आदमी उसको कहे के ले भाई ले तेरी कमर पर 9 किलो का पत्थर बांध भाटो बांध 9 किलो और लेन घूम मने 9 दिन तक। एक आदमी की औकात नहीं होती साहब 9 किलो का पत्थर छोड़ो एक 2 किलो का पत्थर 9 दिन तक नहीं रख सकता कमर पर। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभाल के रखती है। इसलिए कहा बोलो मत मां की कदर करो। मगर कुछ लोग थे जो बोल रहे थे अच्छी बात है साहब अभी जवान हो आने दो तुम्हारे बेटे को। मैं सबकी मां के लिए 2 लाइन गा रहा हूं सबकी तो मां के लिए। तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू कितनी सुंदर है ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। ये जो दुनिया है दुनिया हम है कांटो का कांटो फुलवारी है फुलवारी ओ माँ ओ माँ। सबकी माँ सबकी माँ मेरी नहीं माँ चली गई माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। साहब माँ के पेट में बेटा आता है ना तो माँ राजी होती है लात मारता है मारो बेटो आईरो धरती पे आवे मां राजीवे वो जुई पन्ने लुगई आवे सबो ज्यादा मां राजीवे। मगर अणी कलयुग में अणी जमाना में ने ऐसा कपूत पैदा भैया साहब जो जुई लुगई आवे और वह लुगई केवे अब किसके साथ रहना है मैं इन बुद्धों की सेवा नहीं करूंगा। वो उस पत्नी के प्यार में पागल अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाता है और अलग होने के बाद जागरण में जोर जोर से नाचता है कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी के सामने कितना भी नाचो अगर माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो तो ठाकुर नहीं देखेगा। माँ बाप को छोड़ने के बाद रामदेवरा पैदल पैदल जा रहे हो कोई मतलब नहीं है। माँ बाप को छोड़ने के बाद व्रत कर रहे हो उपवास कर रहे हो भूखे रह रहे हो कोई मतलब नहीं है साहब। क्योंकि कोई व्रत रखता है कोई उपवास रखता है लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है साहब जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। आप पहले माँ बाप की इज्जत करना सीखो माँ बाप की सेवा करना सीखो बाद में ये ठाकुर राजी होगा बाकी कोई राजी नहीं वे। क्योंकि माँ बच्चों की जा होती है माँ बच्चों की जा होती है वो होते हैं किस्मत वाले वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे रोने मेरे हंसने पे हंसने तू बलिहारी है बलिहारी हो माँ ओ माँ ओ माँ 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 ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ।
चलिए अब मुझे बताओ, मैं जीवन की हकीकत कह रहा हूं, कड़वा बोल रहा हूं, बुरा लगेगा मगर कड़वा मैं बोलूंगा। यहां पर जितने भी बैठे हो, किस किस के मां बाप जिंदा है, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाना जो सुबह सुबह रोज मां बाप के धोख लगते हैं डेली, ये लो। अभी बहुत जोरदार नाच रहे थे आप सब, और मां बाप के धोख, मां बाप ने धोख लागवा में हरा मरी मरू कोई मोटर नेताजी के तो आओ, कोई पिया वाला है तो आओ, वाह वाह वाह, दुनिया बोली कतरी है साथ, जीवता जीव मां बाप ने धोख नहीं लागे, और मरवारा बाद में मोटी तस्वीर बने बचेड़ा खावे हो मारा मां बाप कश्या कन्या में तैरा हो था, किसको पागल बना रहे हो। ये ठाकुर पागल नहीं बनेगा, ये दुनिया का रखवाला है। आप इसको कितने भी मना लो, कभी माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के धोख लगो, और लहरुदास की गारंटी है, ये लहरुदास चैलेंज करता है, आप अपनी माँ बाप के धोख लगकर निकलना, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। मैं सच कह रहा हूं, जितने भी नाच रहे थे भक्त लोग, आज से कसम खाओ कि नहीं साहब, अब हम माँ बाप के धोख लगेंगे तब ठाकुर राजी होगा। चलो किस किस के मन में आया कि नहीं आज से धोख लगेंगे, बताओ। क्या बात है, क्या बात है, ये अपना जागरण सफल हो गया, क्योंकि हे माँ बाप तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है मम्मी पापा तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कुछ कम नहीं है, हर एक बेबसी लग रही चांदनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है। साहब मैं यहां पर सब ठाकुर जी के दीवाने बैठे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, सबके पास मोबाइल फोन होगा, सबके पास, और दुनिया खाए के बिना रह सकती है मगर मोबाइल के बिना, और सब एक बार सुबह सुबह मंदिर में धोख लागे तो मन में कतरी खुशी वे कि आज ठाकुर जी ने धोख लागी रहा। मगर आप लहरुदास एक और आपको उपाय बताता, जीवन में सुखी वैसे तो सब सुखी है, मगर एक उपाय और करना, आजकल लोग मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं, कोई सलमान खान का लगाता है, कोई कैटरीना कैफ का लगाता है, कोई लड़के तो इतने पागल हो जाते हैं जैसे ही सगई हुई और माई स्वीट हार्ट नरे जनारा मन में वेम है कि नहीं नहीं मुंह मारे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो भिलवाड़ा में बंगला बना रहा हूं, मेरे बेटे को इंग्लिश मीडियम में भेजूंगा, उसको सोने की थाली में खवाऊंगा, ये मेरी सेवा करेगा, वेम में मती रिजो। हूं जो मारी बात अलग रेवा वाला हूं जो, हाँ कोई माहौल से अलग हो जाते हैं वो अलग बात है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सुनना। एक बार एक विंदणी हाउजी ने क्यों, ओ हाउजी क्यों, हाँ बेटा क्यों, आज मुंह रोटी नहीं बनाऊला, हाउजी क्यों क्यों, थोड़ी देर, हाउजी क्यों क्यों, विंदणी क्यों, हमारी सहेली रो बर्थडे, आज मुंह रोटिया वोटिया नहीं बनाऊ, आज मनी मंदिर पे भंडारो चाली रो जाइन पैदल पैदल छिमिया जो, हाउजी क्यों बेटा बूढ़ी वेगी मारो घोड़े उन्हीं चाल नहीं आवे, भंडारो किस तरह जीमू, क्यों कह दियो ने भंडारो जाइन पैदल पैदल मंदिर पे जिमिया जो बस स्टैंड पे, मुंह तो जाइरू मारे सहेली रटे इशारो किधर, चलो निकलो निकलो, मतलब विंद ने वो भी लुगोरे टट्टू, हां मैडम चलो चलो चलो, हूं जो अलग रेवा वाला, हूं जो अलग रेवा वाला, कना मन में भेम वेक, मारा बेटा री मुंह सेवा, मां बाप री सेवा नहीं करूं, मारा बेटा ने मुंह हाउ राखू वो सेवा करी, हूं जो लगाई किक, लारे बेटी मोटरसाइकिल पे लुगाई, आगे बेटी 5 साल रे बेटो, और थोड़ा आगे गया और बनी 5 साल रे बेटा लारे घूमिन क्यों, मम्मी क्यों, हाँ बेटा के मम्मी मैं बड़ा होके मेरा मकान मंदिर के पास में बनवाऊंगा, टच में मंदिर रा बड़े बनवाऊंगा, बनी विंदनी क्यों क्यों, बनी 5 साल रा बेटा क्यों जो हूं जो आप, बनी क्यों मम्मी अबणू था दादी माँ नहीं हूं कहीं ना आया,
के बस स्टैंड पे मंदर है भंडारो चाली रो जैन पैदल पैदल जिमिया जो दादी माँ बापड़ी भूडी वेगी घोडू चालनी नहीं आवे तकलीफ पाई मुँ यू चौंक झंडाण मुँह मोटो वही जाऊँ था भूडा वही जाऊँ तो घर्रा भरे मंदर वही तो निकल तो भंडारो तैयार कम चालनो पड़ी तकलीफ कम पड़ी। इसलिए साहब मनुष्य जन्म में आयो गलती हो जाती है, कोई माँ बाप से अलग हो गया हो तो कोई बात नहीं हो जाती है, आपसे निवेदन है मरने के बाद बहुत पछताओगे आप, इसलिए अपने माँ बाप के पास वापस आ जाना, माँ बाप की सेवा करना और अपने अपने मोबाइल के ऊपर एक महीने के लिए ट्राई करना माँ बाप का फोटो लगा करके, आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल जाए तो लेरुदास के सर पे दो जूते मार देना, क्योंकि ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं माँ तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्म का संगम है। कलाकार बहुत ज्यादा है, ये भजन मेरा बहुत बड़ा है, बस मैं तो यही कहूंगा कि इतने लोग पधारे हो, 5 या 10 लोग भी अगर मोबाइल में माँ बाप का फोटो लगाना शुरू कर दिया और 5 या 10 लोग भी अपने माँ बाप से अलग थे वो आ गए, तो अपना गाना मंडल वालों का कार्यक्रम करवाना, इनका इतना खर्चा करना, ठाकुर जी का मंडपिया से आना, सब सफल हो जाएगा साहब। बाकी रात भर नाचे कूदे और माँ बाप के सामने जाकर माँ बाप की इज्जत नहीं करना। और मैं उन तमाम बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपनी सुंदरता के चक्कर में अपने पति को पागल करके अपने सास ससुर से अलग करती है, अपनी सुंदरता के चक्कर में ऐसे मत करना, क्योंकि जवान हो जत्र था भी रूपाला लागो, बुढ़ापा में लापी हिरगो मुंडो आपनों भी भेजे फाइनल। इसलिए आपसे निवेदन है अपने पति को पागल करके माँ बाप से दूर मत करना, उनकी सेवा के लिए आपसे निवेदन है ऐसा जीवन में गलती मत करना, माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि माँ बाप अपने भगवान है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, जो ये मानता है वो हाथ उठाओ, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, जो माँ बाप से ऊपर किसी को नहीं मानता वो हाथ उठाए और मेरे साथ गाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्म का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्म का संगम है, वो संतो सूरगासू आयो रे संदेह से बुलावो आयो राम रो, वो संतो सूरगासू आयो रे संदेह से बुलावो आयो राम रो, बुलावो आयो राम रो।